सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी संदीप जागड़ा। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरहेड एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप्स की, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये है हमारे ट्राइसेप्स के मिडल हेड के लिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसको किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले पुल्ली की जो पोजीशन है वो रहेगी हमारी अपर बैक से नीचे नीचे, ताकि जब ये नीचे जाए तो टच ना हो प्लेटें नीचे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सेट करना है इसको नीचे कि ताकि जो प्लेटें वो नीचे सेट ना हो, और उसके बाद में अपना कोई सीटेड बेंच हो वो यहाँ पे ले आएंगे। इसकी पोजिशन क्या रहेगी, जस्ट आउट, बीच में स्पेस बनेगा। और दूसरी चीज क्या है कि हमारी जो एल्बो है आगे की तरफ नहीं रहेंगी, पीछे, यानी कि जो वायर है वायर ऊपर सीधी करनी है, यानी कि वायर को 90 डिग्री पे सीधा करना है, ऐसे 90 और सीधे में 180, ठीक है। ये देखो 1 2, 180 पे कब बनेगा, जब ये एल्बो पीछे ही रहेगा। अगर ये एल्बो आगे आ गया तो इसका एंगल जो वो चेंज हो जाएगा और सारा जो टेंशन है ट्राइसेप्स की बजाय शोल्डर पे आ जाएगा, क्योंकि इसको कंट्रोल करने में ही टाइम लग जाएगा। अब क्या है कि मान के चलो ये अपने जो एल्बो, जो अपना हाथ है स्ट्रेट है, तो अभी क्या है हाथ एक न्यूट्रल पोजीशन के अंदर है कि शोल्डर पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, तो यहाँ तक कोई जोर नहीं पड़ रहा। अब इसके बाद में सारा का सारा जो वेट है हमारा ट्राइसेप्स कैरी करेगा, एल्बो जो है हमारी वो अंदर की तरफ रखने की कोशिश करनी है। एक बार प्रॉपर से करके दिखा देता हूँ। ये मैंने सेट कर लिया मेरी अपर बैक से नीचे, ठीक है। वी बार या ए बार भी बोलते हैं, कोई कोई वी बार भी बोलता है इसको। अगर वेट हैवी है तो किसी की सपोर्ट ले लेना, वो उठा के दे देगा पीछे से। सेकंड क्या थी हमारी, चेस्ट आउट करनी है, चेस्ट मेरी आउट है और एल्बो मेरी पीछे ही है। एक 1, मैं नीचे लेके जा रहा हूं तो टच नहीं हो रहा, देखो दोस्तों। 2 3 4 5। सो दोस्तों ये एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप्स के मिडल हेड के लिए। हमारे ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, लेटरल हेड, लॉन्ग हेड और इसके नीचे होता है हमारा मिडल हेड। तो ये जो एक्सरसाइज हमारी मिडल हेड की एक्सरसाइज है, जो कि अल्टरनेट है हमारे, यानी कि अगर ये एक्सरसाइज नहीं लगा पा रहे हो तो आप डंबल ओवरहेड नहीं लगाते, डंबल लेके दोनों हाथों से, और ये वाली कोई सिंगल भी लगा लेता है, कोई डबल हैंड भी लगा लेता है। आज मैंने आपको समझाया है कि आप ए बार से केबल पे कैसे लगा सकते हो, बहुत ही जबरदस्त फील आएगा। जिन लोगों को डंबल में अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो केबल में कर सकते हैं इजीली, वेट कम लगा लेना, ठीक है, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अनुसार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।